I really just like the idea of performing. I'm an actor, I write and perform poetry, and I really enjoy making new people, and that's a very integral part of me, that I really enjoy meeting new people, and that's very much. Camera is rolling. Roll sound. Sound rolling. And whenever you're ready. रिमेम्बर मैं तुम्हें बता रही थी कि हर चीज़ हमें दी गई होती है, हमें बस चूज करना होता है। Wow, but explain. Wow, you want me to explain now? Okay, you know, I'll do you one better. मैंने recently कुछ लिखा था, तो मैं उसके जरिए बता देती हूँ. Sure. अर्ज़ क्या है? इशारा. You know, एक खुदा है जिसने इस दुनिया को अपनी सबसे खूबसूरत चीज से नवाजा है, मोहब्बत. और एक इंसान है जिसने उस मोहब्बत का भी, उसे सवाल कर करके, उसे बक्सों में भर भर के, उस मोहब्बत का भी निकाला जनाजा है. हर चीज को, हर शख्स को, हर दिल को हम इंसानों ने एक बक्सा नवाजा है. तो अब कोशिश है ये कि एक दिन उन बक्सों से निकलकर, बादलों पे चलकर हम खुली हवा में उड़ जाएंगे, मोहब्बत को समझ जाएंगे, खुदा से मिल जाएंगे. व्हाट डू यू थिंक? इंटरेस्टिंग. वो नवाजा शब्द शायद तुमने दो बार इस्तेमाल किया है. मे बी यू कैन रिप्लेस दैट विद समथिंग एल्स जस्ट फॉर पोएट्री पर्पस. ये बाहर थंडर हुआ क्या? वाओ, लगता है आज ओले गिरेंगे. तुम कह रहे थे इंटरेस्टिंग है. कॉम्प्लीमेंट है या बात डाल रहे हो तुम? यार बात नहीं डाल रहा, ऑनेस्टली बोलूं यार, ये मोहब्बत वाला ना कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता मुझे. नहीं, यही तो समझा रही थी. यू नो, मोहब्बत का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तुम बताओ, तुम लिख रही हो इसके बारे में? बहुत लोग लिख चुके हैं इसके बारे में. यू नो, रूमी सेज, योर टास्क इज नॉट टू सीक फॉर लव बट मेयरली टू सीक. That's exactly what I mean when I say that we are constantly questioning it and trying to figure out what box of our understanding it fits in. Why can't we just accept and let it be? Just let it go, let it exist. Why do we have to doubt and complain and crib? You know who we are? नुक्ताची. मतलब समझते हो, हर चीज में नुक्स निकालने वाले. तुम्हारी तरह नुक्ताची है, गमे दिल उसे सुनाए ना बने. क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने. मैं बुलाता तो हूं उसको, मैं बुलाता तो हूं उसको, मगर ऐ जज्बाए दिल उस पर बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए ना बने. ताची है इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने. मतलब ही नहीं समझ पाते हम इन बातों का, तभी ऐसे सवाल पूछते हैं. पर तुम कमाल हो यार, ये सब तुमने मुंह ज़बानी याद कर रखा है. अरे इश्क ने शायर नहीं बनाया हमें अब तक, तो क्या शायरे आजम के लफ्जों को अक्स में उतार तो सकते हैं कि नहीं? यार तुम बातें बहुत प्यारी करती हो. तुम्हें नहीं लगता तुम इन बातों के लिए थोड़ी छोटी हो अभी? I mean, please don't mind me asking. Have you ever been in love? हाँ, been in love नहीं, I am in love. You
you think your idea of love is the real thing? फिर सवाल. See, it is not a question you ask. It is a feeling you catch, like the flu, and you go with it. Ronak, it makes you feel beautiful, but not because you are happy. Because for the first time, you want the other person to be happy as well. इस मतलब भरी दुनिया की शायद सबसे कम मतलबी चीज प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी इसके नाम बहुत है पर मतलब एक इबादत दैट्स हाउ आई नो व्हाट आई फील इज लव जब किसी की आंखों में पूरी कायनात दिख जाए जब किसी की मुस्कुराहट तुम्हारी रूह को छू जाए जब दिल की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े पर फिर भी जीने का अंदाज थोड़ा शायराना हो जाए जब मरीन ड्राइव पर सुबह तक बैठने वाला कोई साथी मिल जाए और फिर उसे उस सुबह की गर्म चाय पिलाई जाए फूंक मारकर ताकि उसकी जीभ ना जल जाए जब कोई तुम्हारी कच्ची शायरी सुने फिर बोले इंटरेस्टिंग है चाहे उसे समझ आए ना और एक बार फिर बिन कुछ मांगे बिन कुछ कहे आप उनके प्यार में पड़ जाएं, इबादत didn't know you felt like this. I mean, I only thought that we are very good friends, right? Relax. यही तो कह रही थी. रौनक तुम्हें ये किसने कह दिया कि मेरे इश्क को तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है? My love is not defined by you loving me back. It is defined by my joy in loving you. सुन नहीं रहे थे तुम ठीक से मेरी बातें फिर से I just mean I don't want this to get awkward. I really like spending time with you and I wish nothing changed. Believe me, nothing will change. मुझे तो पहले दिन से तुमसे प्यार है पर अब तो कुछ awkward हुआ नहीं ना आगे भी नहीं होगा I promise. मुझे तो बस शुक्र है कि रस्मुल खत अदा की खुदा ने तुम्हें कागज पर उतारने लायक हो बैठी ख्याल आया कि ख्याल लिखो कलम उठाई तो तुम्हें लिख बैठी यू आर नाउ माई पोएटिक पर्पस एंड फॉर मी दैट्स इनफ डोंट वरी और अब मेरे रबर बैंड से खेलना बंद करो ये बंद नहीं होगा Thank you.